ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी धरती बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई तरह के बदलाव झेल रही है, जिसका असर कहीं ना कहीं इंसान के जीवन पर भी पड़ रहा है। गर्म जलवायु के कारण धरती पर सूखे की समस्या पैदा हो रही है, जिसकी वजह से फसलें नष्ट हो रही हैं और लोगों को खान पान संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में क्या होगा अगर तपते सहारा रेगिस्तान को उपजाऊ और हरी भरी जमीन में तब्दील कर दिया जाए? यकीनन इस सवाल का जवाब दे पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैज्ञानिक भविष्य में सहारा रेगिस्तान को हरा भरा करने के विषय में विचार कर रहे हैं। हालांकि इस बदलाव का धरती पर क्या असर होगा और रेगिस्तानी इलाके को उपजाऊ जमीन में तब्दील करना संभव है या नहीं, जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से। सहारा रेगिस्तान। अफ्रीकी महाद्वीप पर मौजूद सहारा रेगिस्तान 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ऐसे में अगर इस गर्म और बंजर रेगिस्तान को हरी भरी जमीन में बदल दिया जाए तो क्या होगा? क्या इस आइडिया से अफ्रीका की खाद्य समस्या को हल किया जा सकेगा या फिर इससे पर्यावरण में नए बदलाव देखने को मिलेंगे? दरअसल दुनिया भर के वैज्ञानिक सहारा रेगिस्तान को हरियाली भरी जगह में तब्दील करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे धरती पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर सहारा रेगिस्तान में पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं तो इससे पृथ्वी के वातावरण में मौजूद 7.6 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सहारा रेगिस्तान का रंग रूप बदलने से वातावरण के तापमान को भी नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, जिससे अफ्रीका समेत कई हिस्सों में गर्मी को कम किया जा सकता है। लेकिन इतने बड़े काम को आखिर अंजाम कैसे दिया जा सकता है, क्योंकि धरती के बिल्कुल अलग थलग रेगिस्तानी हिस्से को उपजाऊ जमीन में बदलना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें आने वाला खर्च कितना होगा और इसे कैसे बदला जा सकता है? क्या होगा अगर सहारा रेगिस्तान को बदल दिया जाए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े गर्म रेगिस्तान को उपजाऊ बनाना कोई खाने का काम तो नहीं है। अगर सहारा रेगिस्तान के क्षेत्रफल की तुलना किसी देश से की जाए तो यह अमेरिका जितना बड़ा होगा। ऐसे में इतने बड़े जमीनी हिस्से को उपजाऊ जमीन या जंगल में तब्दील करने और सारी रेत को हटाने के लिए सरकार को सालाना $20 खरब की राशि खर्च करनी होगी। इसके अलावा यह काम कितने सालों तक चलेगा यह सहारा की जलवायु और वहां चलने वाली हवाओं पर भी निर्भर करता है। ऐसे में अगर सहारा को हरियाली जगह में बदलने में 2 साल का समय लगता है तो सरकार को तकरीबन $40 खरब खर्च करने पड़ेंगे। हालांकि इस खर्च के मुकाबले सहारा को हरा भरा बनाना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इंजीनियर्स को इस रेगिस्तान में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सहारा रेगिस्तान को सामान्य जमीन में बदलने के लिए ही वहां मौजूद कई लाख टन रेत को खाली करना होगा, जो अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। अगर मशीनों की मदद से इस काम को पूरा कर भी लिया जाएगा तो सहारा की रेत को ठिकाने लगाना एक दूसरी चुनौती होगी। ऐसे में हो सकता है कि सहारा रेगिस्तान की रेत को खाली करके समुद्र में डाल दिया जाए, क्योंकि समुद्र बहुत गहरा है और यह अपने अंदर किसी भी चीज को समेटने की ताकत रखता है। हालांकि इससे वहां मौजूद जलीय जीवों के जीवन पर काफी बदलाव आ सकता है, लेकिन रेगिस्तान को बदलने के लिए कोई ना कोई कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। इसके बाद सहारा की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए वहां लाखों टन मिट्टी को डालना होगा, जिससे रेतीली जमीन को पूरी तरह से बदल दिया जाए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 1 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में लगे पेड़ पौधे इतनी कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं जो 1 लाख किलोमीटर चलने वाली गाड़ी से निकलने वाले धुएं और कार्बन के बराबर होता है। ऐसे में कई लाख हेक्टेयर में फैले सहारा रेगिस्तान के पेड़ पौधे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होंगे, जिससे न सिर्फ धरती के तापमान को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि वन्य जीवन भी खुशहाल होगा। ऐसा नहीं है कि सहारा रेगिस्तान को हरी भरी जगह में परिवर्तित करना नामुमकिन है, लेकिन यह काम सामान्य से थोड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण जरूर है। सहारा रेगिस्तान को हरा भरा बनाए जाने के विचार पर काम करने से पहले वैज्ञानिकों ने चीन के कुबकी डेजर्ट को हरियाली जगह में तब्दील करने का कारनामा कर दिखाया था। कुबकी इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट के तहत रेगिस्तान के 1/3 हिस्से को हरा भरा और उपजाऊ बनाया गया था। हालांकि इस काम को पूरा करने में 30 साल लंबा वक्त लगा था। इस दौरान वैज्ञानिकों ने कुबकी रेगिस्तान में 70 प्रजातियों के अलग अलग पेड़ पौधे लगाए थे, जिससे 1/3 हिस्सा बिल्कुल हरियाली भरा हो गया। ऐसे में यह संभव है कि रेगिस्तानी इलाके को उपजाऊ और हरी भरी जगह में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इसमें ढेर सारा श्रम, समय और पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। कैसे पूरी होगी ये प्रक्रिया? सहारा रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का सबसे आसान तरीका ये है
कि इस जगह पर पेड़ पौधे लगाए जाएं और फिर उनकी सिंचाई करने के लिए सहारा के तटीय क्षेत्र से नमकीन पानी को फिल्टर करके सप्लाई करना होगा। गर्म और तपते रेगिस्तान में पानी को भाप बनकर उड़ने से बचाने के लिए पाइपलाइन को जमीन के अंदर फिट करना होगा, जिसे अंदर ही अंदर सीधा पौधों की जड़ों तक लाना होगा। अगर जमीन के ऊपर सिंचाई के लिए पानी सप्लाई करने का काम किया जाएगा तो गर्म जलवायु के कारण पाइपलाइन गर्म हो जाएगी और उनके फटने या डैमेज होने के चांस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा खुले में सिंचाई के पानी को रखा नहीं जा सकता, क्योंकि रेगिस्तान के गर्म तापमान में पानी बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ जाएगा। इसलिए सिंचाई के लिए अंदरूनी पाइपलाइन और फिल्टर पानी की जरूरत पड़ेगी, जिससे सहारा रेगिस्तान को कम से कम समय में हरा भरा बनाया जा सकता है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि वह सहारा में किस तरह के पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि हर तरह की वनस्पति या पौधे रेगिस्तान के गर्म तापमान में जीवित नहीं रह सकते हैं। ऐसे में अगर सहारा को हरा भरा बनाना है तो वहाँ नीलगिरी के पेड़ लगाए जा सकते हैं। यह पेड़ अधिक और गर्म तापमान को आसानी से झेल सकते हैं, जबकि इनकी लंबाई भी काफी ज्यादा और तना दमदार होता है। इतना ही नहीं, नीलगिरी का पेड़ बहुत तेजी से विकसित होता है, जबकि इसे बहुत कम पानी की जरूरत होती है। ऐसे में सहारा रेगिस्तान में नीलगिरी का पेड़ लगाना वहाँ के लोगों के आर्थिक रूप से काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके साथ ही इस पेड़ की देखभाल और लागत पर बहुत कम खर्च आता है। एक बार नीलगिरी के पेड़ अच्छी तरह से विकसित हो जाएं, तो वह रेगिस्तानी जमीन पर मौजूद मिट्टी को जरूरी पोषक तत्व प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस तरह एक के बाद एक कई नीलगिरी के पेड़ विकसित होने पर सहारा रेगिस्तान में होने वाली बारिश की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पेड़ों की सिंचाई के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि में बचत होना शुरू हो जाएगी। ऐसे में बरसात की वजह से सहारा का गर्म तापमान धीरे धीरे कम होने लगेगा और ऐसा वक्त भी आएगा जब इस गर्म जगह का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक घट जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ ठंडी और मनमोहक हवाएं चलेंगी। इस तरह सहारा रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का असर दुनिया भर के दूसरे देशों और जलवायु पर पड़ेगा, जिसकी वजह से धरती के वातावरण से हानिकारक गैसें कम हो जाएंगी और तापमान में भी संतुलन आएगा। ये सभी चीजें सोचने में काफी आसान और आकर्षक लगती हैं, लेकिन क्या यह सच में संभव हो सकता है? सहारा को हरा भरा बनाने में आएंगी मुश्किलें। सहारा रेगिस्तान को हरे भरे क्षेत्र में तब्दील करने में आने वाली सबसे पहली चुनौती है खर्च, जो सालाना $20 खरब तक होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी धनराशि का इंतजाम कैसे होगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों की मदद लेनी होगी। जब सभी देश एकजुट होकर सामान्य मात्रा में धनराशि देने के लिए तैयार होंगे, तभी सहारा रेगिस्तान को हरा भरा बनाने का काम शुरू किया जा सकता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों की किसी विषय पर एक राय होना नामुमकिन है, जिसकी वजह से अगर एक देश भी इस काम में योगदान देने से मना करता है तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रोक दिया जाएगा, क्योंकि सहारा रेगिस्तान में होने वाले बदलाव का असर पूरी पृथ्वी पर पड़ेगा, जिसमें सभी देश भी शामिल हैं। ऐसे में कोई भी देश नहीं चाहेगा कि बिना खर्च के किसी को मुनाफा मिले, इसलिए एकमत न होने की स्थिति में इस प्रोजेक्ट को शुरू करना भी मुश्किल हो जाएगा। खैर, अगर किसी तरह सहारा रेगिस्तान को बदलने के लिए खर्च मिल भी जाए तो इस इलाके को हरियाली की वजह से टिड्डियों के हमले का सामना करना पड़ेगा। यह जीव हरी भरी जगह की तरफ आकर्षित होते हैं और सब कुछ खाकर उड़ जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी सहारा रेगिस्तान को हरा भरा बनाना पृथ्वी के लिए अच्छी डील साबित हो सकती है, जिससे पर्यावरण पर अच्छा असर देखने को मिलेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सहारा रेगिस्तान को हरा भरा जंगल बनाने से क्या होगा और पृथ्वी को इससे क्या फायदे हो सकते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।